लहर ही आएगी। लहर तो नहीं आना चाहिए, नहीं आएगी लहर, नहीं आएगी लहर। यहाँ चल देख ड्राइवरों भाई के लिए इतना किया है तो नहीं आएगी लहर, मैं भी बोल रहा हूँ। इसका असर बहुत पड़ रहा है पब्लिक के ऊपर, नेताओं के ऊपर कोई असर नहीं भाई, वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनको कौन असर कर सकता। मोदी जी जैसा चाहेंगे। देश भर में महंगाई की चर्चा तो सरेआम चल रही है, और एक तरफ चुनाव की चर्चा भी चल रही है। चुनाव की जो चर्चाएं हैं वो जनमानस से चल रही हैं। भारत, पूरे भारत में इस टाइम पर लोकसभा का चुनाव का माहौल है। इस माहौल में कोई महंगाई पर बात करता है तो कोई इस देश के विकास पर बात करता है, तो कोई मध्य प्रदेश पर विकास पर बात करता है, तो कोई घर के विकास की बात करता है। इस विकास को लेकर के अगर बात की जाए तो आज हम कुछ चीज़ों पर जो है चर्चा किए जनता से, और जनता ने इसका जवाब जिस तरीके से दिया है वो जवाब भी आपके सामने होगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो है हम आपको अवगत करवाएंगे कि आज भारत सरकार पर अगर देखा जाए तो कितना कर्ज होगा, महंगाई अगर देश में मोदी के नाम से अगर विकास की अगर बात की जाए तो हमारा देश कितना तरक्की कर रहा है, कितना कर्ज में है, और अगर हमारा देश वाकई में देश तरक्की कर रहा है तो कर्ज में क्यों जा रहा है, और इस कर्ज को भरेगा कौन। नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं तरंग न्यूज और खास खबरों के साथ मैं हाजिर हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता से जब हम बात किए यानी कि जब रूबरू हुए तो जनता का एक कहना है, पहले तो महंगाई की बात और दूसरी कानून के संविधान संशोधन पर या फिर कानून के नियमों का बदलाव पर। जनता को इस बात का डर है कि मोदी संविधान को ही बदल देंगे। जनता को इस बात का भी डर था कि शायद काला कानून जो है किसानों को बर्बाद कर देगा। जनता को इस बात का भी डर है कि आखिर में जो ये प्रक्रियाएं चल रही हैं आज वो कहीं जनता पर हावी होकर तानाशाह सरकार तो न बन जाएंगी। कई ऐसे सवाल जो है खड़े होते हैं। इन सवालों को लेकर के जब जनता से बात की जाती है तो जनता बहुत कुछ जवाब देती है, लेकिन हम आज बात करेंगे उन महंगाई के मुद्दों पर और उन किसानों या फिर ड्राइवरों के उन मुद्दों पर जो ड्राइवर खुद ये बातें कहते हैं जब उनसे सवाल किया जाए कि इस बार सरकार किसकी होगी। कहीं ना कहीं उनके मन में इस बात का भी बदलाव है और मोदी से काफी नाराज भी हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले पर जब जनता से बात किया गया तो क्या उन्होंने कहा, सबसे पहले हम आपको ये दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ प्रजापति। ये तो महंगाई बढ़ी, क्या कहेंगे आप? महंगाई तो बहुत है, महंगाई के लिए बहुत बेकार शासन है। फिर हम लोग क्या है कि छोटी मोटी ड्राइवरी कर रहे हैं, 400-500 को नौकरी कर रहे हैं। ये बताइए, हम लोग के बीच में अगर शासन इतना वो कर रहा है तो बहुत गलत है, कर न रहा है कि एक्सीडेंट में 7 लाख रुपया 10 साल का जेल, तो हम लोग कहाँ पाएंगे? ये बताइए, 300-400 को नौकरी करने वाला आदमी कहाँ पाएगा, आप बताइए। इसलिए शासन बहुत भारी गलत कर रहा है। इसके लिए तो प्रदर्शन के बाद ये भी था कि इसमें सुधार किया जाएगा। सुधार किया जाएगा, अभी तक तो नहीं हुआ ना, अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग ग्रुप में जुड़े हैं, अभी तक इसका कोई निर्णय नहीं निकला है। मैसेज आ रहा है हम लोग को, ड्राइवर भाई के लिए मैसेज आ रहा है, अभी तक कोई इसका निर्णय नहीं हो पाया है। यही है मेरा, यह है कि शासन से अनुरोध है कि शासन भी हम लोग को देखे और करे। ये जो बसें चल रही हैं, पहले इसका किराया करीब 20 जो 60 किलोमीटर का था 20-30 रुपए का था, लेकिन अब इस टाइम पर वह 60-70-80 ऐसे कुछ पहुँच। क्या करेंगे, मोटर मालिक भी क्या कर सकते हैं, डीजल के इतना शासन महंगाई करा है तो क्या करेंगे मोटर मालिक, आप बताइए ना। शासन इतना महंगाई किया तो क्या करेंगे, इतनी महंगाई का आप किसको कारण किसको मानते हैं, क्या है कारण? मोदी है, शासन है, और कौन सा कारण होगा? ऐसे शासन को तो निकाल देना चाहिए। कौन रहा है शासन को? पब्लिक चुन रहा है। उनमें घोषणा जैसे पेटी चोरी, अभी जो अपना ये चोरी हो गया था, हर चीज़ वोटिंग में चोरी हो गया, तो यही है शासन उसका कर रहा है, उसका शासन पूरे है, अपना शासन बनाने के लिए कर रहा है। बाकी पब्लिक मैं भी जानता हूँ कि मैं वोट है, पब्लिक इतना नहीं है चूतिया के इतना महंगाई में उसी को वोट देगा, बाकी उनमें शासन फिर से कह रहे हैं मोदी लहर ही आएगी। लहर तो नहीं आना चाहिए, नहीं आएगी लहर, नहीं आएगी लहर। अरे चल देख ड्राइवरों भाई के लिए इतना किया है तो नहीं आएगी लहर, मैं भी बोल रहा हूँ। क्या नाम है आपका? जगन्नाथ प्रजापति। बात करूं कि महंगाई, एक बट्टी साबुन जिसे एक नग साबुन कहते हैं,
एक साबुन की कीमत जिसकी 10 रुपए थी, वही साबुन का ग्राम जो है आज भी 10 का आता, लेकिन जो ग्राम था वो ग्राम घट चुका है, अब उसकी कीमत 30 रुपए या 25 रुपए से नीचे नहीं है। जो कल 20 की आती थी, आज उसकी कीमत 60 रुपए से नीचे नहीं है। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आप नहाने वाला रेगुलर चीजें जो आप यूज किया करते थे, उसकी भी कीमत अच्छी खासी बढ़ चुकी है। वहीं दूसरी तरफ आपको ले चलेंगे, दूध घी मक्खन पर भी जीएसटी लगने लगा है। किसान जब घर में मवेशी पालना चाहे तो सोचिए, अगर उस दूध और घी को भी अगर कोई खाना चाहे, लेना चाहे, तो उस पर भी जीएसटी लग रहा है। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिन चीजों पर जीएसटी की आवश्यकता नहीं थी, अब उस पर भी जीएसटी चल रहा है। यानी कि अंदाजा इस बात का जरूर लगाया जा सकता है कि देश किधर जा रहा है। जनता से जब बात की जाए तो जनता एक ही चीजें कहती है कि महंगाई बहुत ज्यादा है। मजदूरी की कीमत अगर बात की जाए तो 350 रुपए हमें मिलता है, जबकि सिर्फ 207 रुपए सरकार ने इशू कर दिया है। अब सोचिए कि जनता किस रेट से काम करे। क्या वाकई में कोई भी मजदूर जिस जो कि मोदी का रेट है, उस रेट पर कोई काम मजदूर आपको मिलने वाला है? क्या वो मजदूर आपके घर पर काम करने के लिए आएगा? बेशक नहीं आएगा, क्योंकि उसकी मांगे जो है वो 500 रुपए, 600 रुपए, 700 रुपए या 1000 रुपए हो सकती है, लेकिन 200 रुपए किसी भी वजह से वो आपके घर पे नहीं आने वाला। यानी कि महंगाई का जो सार अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा है, लेकिन सरकार ने कम करके रखा है। यहां पर अगर बात की जाए तो प्राइवेट चीजों को लेकर के अगर बात की जाए तो प्राइवेट चीजों का रेट जो है बहुत कम है, लेकिन वहीं अगर सरकारी चीजों की बात की जाए तो बहुत ज्यादा है। यानी कि अगर एक तरफ देखा जाए तो प्राइवेट संस्था, जिसे हम प्राइवेट कहते हैं, प्राइवेट सेक्टर की अगर बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर में हमें अगर कोई जॉब मिलती है तो उसकी कीमत 12 घंटे ड्यूटी के बावजूद भी लगभग 24 से 25 हजार की होगी। उससे भी कम अगर आंकड़ा नापा जाए तो 12 घंटे की जॉब की 8000 से 10000 भी नौकरी मिलती है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम कुछ देखते हैं तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपको या हमें नहीं दिख पा रही हैं। जैसे कि एक टीचर या फिर एक वो इंप्लॉई, सरकारी गवर्नमेंट इंप्लॉई, जो कि लगभग 6 से 8 घंटे काम करता है और 1 लाख तनख्वाह उठा रहा है, यानी सैलरी 1 लाख रुपए महीने है, उस 1 लाख में कितने सारे लोग काम कर सकते हैं? अगर कैलकुलेशन की जाए तो 10 लोगों की पगार वो एक साथ ले रहा है, अगर प्राइवेट और सरकारी में कैलकुलेशन किया जाए तो। लेकिन फिर भी रेट एक ही चीजें हैं। महंगाई भत्ता सिर्फ गवर्नमेंट इंप्लॉय को ही दिया जा सकता है, मजदूरों को कुछ नहीं दिया जाएगा। आप सोचिए कि अगर किसी को नौकरी मिल गई तो वो मालामाल हो गया, लेकिन अगर आप वाकई में जिंदगी जीना चाहते हैं मजदूरी करके, तो आप सिर्फ जीएसटी या टैक्स ही देते रहेंगे, बल्कि दूध घी में आटा में भी आपको टैक्स लग जाएगा और आप शायद सुकून से जी नहीं पाएंगे। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि सरकारी और प्राइवेट में कितना अंतर है। वहीं अगर बात की जाए इन सब चीजों की, तो देश का जो आंकड़ा है आज का, आखिर में भारत देश कितना कर्जदार बन चुका है, तो मैं आपको बता दें कि इसमें से भारत सरकार पर 161 लाख करोड़ रुपए का कर्ज, जो अभी हाल ही में 29 जनवरी 2024 का ये आंकड़ा मैं आपको बता रहा हूं, जहां पर इसमें से भारत सरकार 161 लाख करोड़ रुपए, जबकि राज्य सरकारों पर 44 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। 2004 में जबकि मनमोहन सिंह की सरकार बनी थी, तब भारत सरकार पर कुल मिला के 17 लाख करोड़ रुपए जो था कर्ज था। 2014 तक 3 गुना से ज्यादा बढ़कर अब 55 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होकर, सितंबर 2023 से बढ़कर अब जो है जनवरी में 161 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा बताया जा रहा है। यह मैं कोई आपको आंकड़ा, झूठा आंकड़ा नहीं बता रहा हूं, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि आखिर में यह आंकड़ा कितने का है और क्या यह सच्चाई है या नहीं है। यानी कि भारत देश पर लगातार इतना ज्यादा अगर कर्ज अगर बनता जा रहा है तो क्या हमारा देश विकास कर रहा है या हमारा देश विनाश की ओर जा रहा है? सवाल ये हम नहीं उठाते, ये मुद्दा उठाता है और ये कर्ज उठाता है कि जब हमारे पास खुद पैसे नहीं होते तब हम किसी के चरणों में जाकर हाथ जोड़ के और उसे कर्ज मांगते हैं, और कर्ज मांगने के बाद फिर अपना हम किसी तरीके से जीविका यापन करते हैं। तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारा देश तरक्की कर रहा है
या फिर हमारा देश पीछे जा रहा है। अगर तरक्की कर रहा तो हम दूसरे को कर्ज दें, हम खुद क्यों लें? यानी कि जो अमीर थे टाटा बिड़ला अंबानी, वो और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन देश हमारा गरीब होता जा रहा है। यहां तक कि मोदी का वो डायलॉग तो आपको याद ही होगा जहां पर उन्होंने ये कह दिया कि हम तो बस झोला उठाएंगे और लेके चल देंगे, लेकिन उस झोले में क्या होगा इस बात का अंदाजा ना आप लगा सकते और ना ही हम लगा सकते। वहीं राज्य की ऋणग्रस्तता की अगर बात की जाए तो 7,47,545.73 करोड़ रुपए अनुमानित है। इस आधार पर राज्य पर कर्ज का बोझ जो जीएसडीपी के आकार का, जो कि आपको बता दूं कि जीएसडीपी के आकार पर 31.7% हिस्सा बना हुआ है। यानी कि हम सिर्फ बार बार एक ही चीजों पर फोकस करना चाहते हैं कि अगर भारत देश हमारा जो है कर्जदार अगर बन रहा है तो क्यों बन रहा है, अगर हम बहुत ज्यादा देश में तरक्की कर रहे हैं तो फिर हम विदेशों से कर्ज क्यों ले रहे हैं, ये कई सवाल सामने हैं। वहीं आपको बता दें कि ये चौथा देश है जिस पर सबसे अधिक अमेरिकी कर्ज, पांचवें नंबर पर लक्समबर्ग है जिसके आधार पर 329 अरब डॉलर का अमेरिका कर्ज है। भारत पर भी अमेरिका का अरबों का कर्ज है और इस मामले में 10वें नंबर पर भारत आता है। यानी कि सोचिए अमेरिका से भी भारत ने कर्ज ले रखा है, यानी कई देशों से कर्ज भारत ने ले रखा है। और अब तो मुद्दे की अगर बात की जाए तो जिस दौरान मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार आई थी उस टाइम पर भी ये बातें चलकर सामने आई थी, जब कमलनाथ ने ये बात कही थी कि यहां पर खजाना पूरा मोदी सरकार ने या फिर शिवराज सरकार ने खाली कर दिया है, और अगर सरकार ने खाली कर ही दिया है तो हम अब जनता को क्या दे सकते हैं। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश किधर जा रहा है। इस बात के लिए अगर हम कोई भी बात आपके सामने रखते हैं तो आपको ये लगता है कि ये कांग्रेस ही है या ये बीजेपी है, लेकिन मुझे कांग्रेस या बीजेपी से कोई मतलब नहीं, हमें वही बताना है जो सच और हकीकत है। अगर मेरी दी जानकारी से आप संतुष्ट नहीं है तो कभी गूगल पे आप सर्च करके जरूर देखिएगा कि आखिर में देश कितना बड़ा कर्जदार बनता जा रहा है। कुल मिलाकर अगर बात की जाए रोजगार की तो रोजगार के मुद्दे पर ड्राइवर जो है चलकर सामने आते हैं, और ड्राइवर का कहना ये था धरना प्रदर्शन पे जब बैठे उन्होंने इस बात का जो है आपत्ति जब जताई तो उनका सीधा सा कहना ये था कि मेरी तनख्वाह यानी कि वेतन मात्र 15,000 लेकिन जुर्माना 10,00,000 हम कहां से देंगे। हिट एंड रन का जब केस आया उस टाइम पर ये चीजें ड्राइवरों ने विरोध भी किया इसका, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ लॉलीपॉप देके और मामला खत्म कर दिया गया। लेकिन आज भी ड्राइवर इस बात से जो है परेशान है और उन्होंने ये कह दिया कि हम इस बार मोदी सरकार को बदल देंगे, लेकिन अब क्या कहना है इस बारे में ये भी सुनिए बयान। क्या नाम है अंकल जी आपका? जब सर साकेत मेरा नाम है। ये महंगाई लगातार बढ़ रही है, क्या कहेंगे इसका? महंगाई लगातार जो बढ़ रही है कि ये आम पब्लिक के लिए कि बहुत बड़ा नुकसानदायक है। जिस प्रकार से मतलब ऐसा है कि जो महंगाई बढ़ रही है आदमी को ना कमाई नहीं होती है, वो महंगाई के वजह से लोग परेशान रहते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि महंगाई को न्यूनतम किया जाए और महंगाई माने कम से कम हो, ताकि माने सब जितने नागरिक हैं सबको गुजर बसर हो सके। किस क्षेत्र में ज़्यादा महंगाई है, क्या लगता है? महंगाई तो मतलब यहाँ नहीं, हम MP के रहने वाले हैं, MP में महंगाई है। हम MP के रहने वाले हैं तो MP के बात कहेंगे, और हम इसी सीधी जिले के रहने वाले हैं और MP के रहने वाले हैं, इसी डिस्ट्रिक्ट मेरा सीधी है। पर बात यह है कि महंगाई को कम किया जाए, इसलिए कि हर एक नागरिक महंगाई की वजह से परेशान है। और दूसरी बात यह है कि जो शिक्षित माने जो लड़के पढ़े लिखे हैं और वो माने जो DEd, BEd किए हुए हैं, वो लड़के माने सब हर एक जगह घूम रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सरकार नौकरी का अधिक से अधिक इसका प्रावधान बनाए, ताकि उन बच्चों को जो DEd, BEd कराया है वो पैसा लगा करके DEd, BEd कराया है और आज गली गली वो घूम रहा है, इसलिए उसको प्राथमिकता के आधार पर उसको नौकरी सर्विस दिया जाए तथा अन्य विभागों में जो हो उसकी वैकेंसी निकाल करके जो पढ़े लिखे हैं उनको दिया जाए, नौकरी का अवसर दिया जाए। मोदी सरकार द्वारा कहा जा रहा था पहले कि महंगाई को कम किया जाना चाहिए, जब करीब जो भी तेल था वह करीब 40-50 रुपये का, और अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, 60 बढ़ेगा तक है, तो क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इस
पर हम ये कहेंगे कि ठीक है, मोदी जी ने जो कहा है, मोदी का पूरे भारत देश में मतलब उनका शासन चल रहा है। रही बात तो वो अपने हिसाब से ठीक कहे हैं कि महंगाई के कहने पर तो अभी कम तो नहीं हुई है, पर ऐसा चाहते हैं कि मोदी जी इस पर ध्यान दें ताकि हर माने जितने भी नागरिक हैं सबको कम से कम महंगाई दें ताकि सबका गुजर बसर हो सके। और साथ साथ ये भी हम मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि जो पढ़े लिखे हैं इनको अवसर दिया जाए। क्या नाम भैया आपको? मोहम्मद अनवर हसन। क्या कहेंगे आप इस महंगाई को? महंगाई बहुत है, महंगाई से लोग पीड़ित हैं। क्या महंगाई है? हर चीज़ की। कैसे? जैसे मान लीजिए जीरा है, तेल है, हर चीज़ है भाई, खान पीन की चीज़ सभी महंगाइयाँ हैं। और लोग बेरोजगार हैं, सबसे ज़्यादा परेशान हैं, इस कारण से लोग ज़्यादा पीड़ित हैं। क्या असर पड़ रहा है इसका? इसका असर बहुत पड़ रहा है पब्लिक के ऊपर, नेताओं के ऊपर कोई असर नहीं भाई, वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनको कौन असर कर सकता। मोदी जी जैसा चाहेंगे वैसा होगा। हो भी रहा है दोनों बात। मोदी जी ये कहना चाह रहे हैं कि महंगाई गिरे, नीचे गिरे। अब मोदी जी जब चाहेंगे तभी होगा, पब्लिक के कहाँ सुनते हैं ज़्यादा, मन की बातें करते हैं। चल तो पब्लिक की रही है, चुनती तो पब्लिक ही है। नहीं, मोदी जी की हमारी चल रही है, मोदी जी हमारे कमजोर थोड़ी हैं। क्या नाम है? मोहम्मद अनवर हसन। लगातार बने रहें तरंग न्यूज के साथ। क्या कहना है जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।